हमको अभी पुलिस वाले ने रोका है, गोवा आना है तो वैलिड लाइसेंस इज मैंडेटरी, लाइसेंस नहीं रहेगा तो कितना चालान है सर? 10,000 रुपए चालान है भाई। गूगल मैप का लोकेशन डाला था फ्ली मार्केट का, और ये फ्ली मार्केट यहाँ पे लेके आए, ये पूरा पीछे खराब पड़ा हुआ है। कार वगैरह का बताओ, थार का रेट बोल रहे हैं साढ़े। चलो भाई खाता है खाना आज का ब्रेकफास्ट। तो दिन की शुरुआत हमारी ऐसे हुई है, 500 रुपए पे किए इस प्रॉपर्टी के लिए, यकीन मानो गाइस सिर्फ 500 रुपए पर पर्सन। इतना बढ़िया खाना, इतना क्लीन पूल। मैं गोस्ट स्टॉप्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज में रुका हूँ इंडिया में, बट गोस्ट स्टॉप्स गोवा स्पेशली दिस वागाटोर ब्रांच, इट वॉज अमेजिंग। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो में जरूर डालूंगा, तो जरूर आप वेट करना उसका, आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगेगी। दिन की शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। वैसे भाई टाइम पास करके देखते हैं चापोरा फोर्ट, वागाटोर बीच, जहाँ जाना जाएंगे। अभी के लिए स्कॉप का तो भी नहाना है, इसके बाद जब तक स्विमिंग पूल में थे अच्छा खासा चल रहा था, बट बारिश चालू हो चुकी है और ये रहा उत्कर्ष, सब नहा रहे। अभी यहीं पे खाना ऑर्डर करें, लेट्स सी। थोड़ी देर से निकलते बाहर, तो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे भाई, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है राइट। सो वेलकम टू डे 1 ऑफ गोवा, लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। चलो भाई, तो अभी यहीं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, क्योंकि बाहर बारिश थोड़ी भी रुकी है, तो अब हम जो सोचे भाई भीगते हुए ही जहाँ घूमना है घूमेंगे। भैया स्विमिंग पूल के बाद यहाँ पे शावर आवर ले लिया है, बस हम ब्रेकफास्ट करके विल गो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। वेलकम टू द डे 1 ऑफ गोवा। कल पुणे से गोवा आ गए थे आकाशा एयरलाइन से, आपने देखा वो। आज देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बारिश वाला मौसम हो रहा है, थोड़ा स्विमिंग पूल में जाना है। बाय द वे ये शॉट बाद में ले रहा हूँ, बट इससे पहले वाले व्लॉग्स देखो, ब्रेकफास्ट नहीं हो चुका है, अब जा रहे हैं बाहर। स्कूटी कल रात को ही हायर कर ली थी, नीचे हमारी स्कूटी खड़ी हुई है, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ चल के, लेट्स गो। चलो भाई, ये हमारे बंदे लोग, इनके साथ घूमने वाले हम लोग, सेम ब्लैक ब्लैक एवरीवन। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी वहाँ से हटो, चलो आगे चले, आपको दिखाएं जा रहे स्कूटी का रेट कितने में मिली है, क्या मिली है, एवरीथिंग हम अपडेट ले लियो। और बारिश है तो माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब गोप्रो में एक्सटर्नल माइक लगा दो तो मैंने निकाल दिया है, अगर वो लगा देते हैं ना तो फिर इसकी जो वाटरप्रूफ वाली सीन है वो ख़त्म हो जाता है गोप्रो का, तो इसलिए वो मैंने निकाल दिया है अभी। अब माइक का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर दूंगा, और वॉइस ओवर से क्या रहता है ना, जो वीडियो रहता है ना ऑन पॉइंट रहता है। स्विमिंग पूल में भी नहा लिया भाई बढ़िया से, अभी जल्दी से आपको स्कूटी दिखाता हूँ। बाय द वे दिस इज़ द कॉमन एरिया, ये है यहाँ का पूल, एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया। कल रात को हम लोग यहाँ पे फूसबॉल एंड स्नूकर वगैरह खेल रहे थे, ऑल गुड ऑल फाइन, खाना भी यहाँ का बढ़िया है। ओके सर, ये दो स्कूटी हमने ले ली है 350 रुपये, देखो एकदम नई वाली, ये फसिनो है, नया मॉडल है, तो ये दोनों एक फसिनो एस, मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, एंड दिस इज नॉर्मल फसिनो जिसमें आपको एनालॉग वाला मिलता है। तो ये दो स्कूटी हमने ले ली है, 350 रुपये मिल गई थी, कल रात को ही ले ली थी, और 200 रुपये का पेट्रोल वाली है। आज देखते हैं क्या करने वाले सीन, जाते हैं थोड़ा चापोरा फोर्ट वगैरह जाएंगे, वागाटोर बीच जाएंगे, कवर एवरीथिंग, खाना वगैरह, एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी। बाय द वे गोस्ट स्टॉप्स बढ़िया है, एक नंबर है, आगे रुक सकते हो, 600 रुपये का बेड मिला है यहाँ पे, बढ़िया। सो गोस्ट स्टॉप्स, आ जाओ नीचे, आओ जल्दी आओ। चलो भाई तो निकलते हैं अभी, नहा धो लिया है, खाना पीना हो गया है, सब कुछ, लेट्स एक्सप्लोर गोवा बेबी। वैसे यार फर्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी, देखो चैट GPT से सुबह हमने आइटनरी मांगी है गोवा की, तो उसके हिसाब से वागाटोर बीच में हम लोग, उसमें अच्छे से इंस्ट्रक्शन दो ना भाई, तो एकदम बढ़िया बताता है। तो 2.5 किलोमीटर्स है यहाँ से वागाटोर बीच, तो वहाँ जाएंगे, देन उसके ऊपर ही है 1.5 किलोमीटर्स पे चापोरा फोर्ट, तो ये दोनों चीज़ें कर लेंगे उसके बाद, लेट्स सी। तो अभी चल रहे हैं, अरे भाई वो चले भी गए यार, गाइस पूरा गोवा खाली है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या पूरा खाली है देखो। अभी चल रहे हैं हम लोग वागाटोर बीच, एकदम पास में ही था, तो स्कूटी चला रहा हूँ मैं और व्लॉगिंग कर रहा हूँ, पीछे उत्कर्ष बैठा हुआ है, और कल हम लोग सोच रहे हैं सामने जो गाड़ी खड़ी है इसको हायर करने का, विच इज थार बेबी, करने थार। हाँ बिल्कुल, उसी के लिए तो आए हैं, थार के लिए आए हैं, चलो देखते हैं देखते कल का क्या, थार वगैरह किए तो उसका क्या रेट आएगा, कैसा रहेगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग। भाई अगर थार ही थार है भाई, यहाँ पे देखो एक और थार है, अच्छा कलर भी चॉइस है क्या, ये देखो एक और है यहाँ पे, तो यार थार बहुत ज़्यादा है, मतलब भाई शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो भाई यहाँ पे आके, ठीक है भाई चलो चलो भाई। तो अभी पता किया है जो थार है उसका ऑलमोस्ट प्राइस, आप पकड़ के चलो ऑफ सीज़न का रेट बता रहा हूँ आपको, 3,000-3,500 रुपये, 3,500 पकड़ के चलो, नीचे का खोला कल करेंगे वो, अभी अभी तो स्कूटी करी है, एंड बाय द वे बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स है, पानी में जाना अलाउड नहीं है, बीच में ही जाना अलाउड है, बस वहीं जा रहे हैं और वहीं जाके वापस जाएंगे, देखते हैं चापोरा फोर्ट अलाउड है कि नहीं, क्योंकि ऊपर से चढ़ने के लिए
चढ़ने के लिए थोड़ा कीचड़ वीचड़ रहेगा वहाँ पे, तो उसको भी चेक करते हैं क्या सीन है। रेनकोट पहन लिया, ज़बरदस्ती बारिश होनी रही थी, बट ठीक है, प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। मैं तो रेनकोट ना लिया है, ना मैं लेके आया हूँ, ना मैं कुछ भी भाई। और बहुत ज़्यादा हाई टाइड था लास्ट टाइम। बाय द वे एक चीज़ और बता दूँ, गोवा मैं 4 बार आ चुका हूँ, ये मेरा 5वीं बार है, और पानी की जो टाइड्स है भाई, मैंने कभी नहीं देखा यहाँ तक पानी आ रहा हो, यहाँ तक पानी आ रहा है, बाप रे बहुत ज़्यादा पानी है। ये देखो भाई जहाँ तक पानी पूरा, मतलब सीरियसली बोलता हूँ, अगर आने का सोच रहे हो ना इधर मानसून में, सस्ता सब कुछ मिल जाएगा गोवा, लेकिन ये चीज़ मिलेगा कि बीच है ही नहीं, यहाँ पे पूरे में पानी है। देखते हैं बैगट और बीच में तो पूरा पानी है, वहाँ तक थोड़ा दिख रहा है, दिखाता हूँ उधर आपको मैं, लेकिन वहाँ भी जाने के लिए कोई सीन नहीं क्योंकि इधर पूरा पानी है, तो अलाउ ही नहीं है जाना। ये देखो ये भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये आप लोग को पानी के अंदर जाने नहीं देंगे, इनका काम ही है ये, सीटी और सीटीवीटी बजा देंगे। और वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है डेंजर का, तो इस बात का ध्यान रखो भैया, अगर आ रहे हो मानसून में तो पानी में नहीं जाना है, नहीं तो अगर गोवा होगे ना भाई, तो बेस्ट टाइम बताऊँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, इट्स जनवरी एंड फरवरी, 2 महीने बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, मैंने बोला कि जनवरी से दिसंबर से फरवरी आऊँ, जनवरी और फरवरी इज़ द बेस्ट टाइम, पानी बहुत कम रहता है, बहुत अच्छा वेदर रहता है, गर्म नहीं रहता, इट्स गुड। इन लोग इन दोनों, ये दोनों पहली बार गोवा आए और मानसून में आ गए, कोई बात सो के उत्कर्ष, रो मत भाई। अभी वहाँ जाएंगे, ऊपर चापुरा फोर्ट है वहाँ पे, वो ऊपर वहाँ पे चापुरा फोर्ट है, उधर ही जाने वाले हैं, वहाँ से देखते हैं क्या ही दिखेगा, मतलब ठीक है चलते हैं फिर भी। सो इफ यू गाइस कैन सी हियर, यहाँ पे नो सेल्फी जोन लिखा हुआ है भाई, कुछ भी करो कहीं पे भी, यहाँ पे पानी से कभी भी मिस एडवेंचर मत करना भाई, पानी बहुत खतरनाक चीज़ है, लोग बह जाते हैं इसमें। अभी बहुत तेज़ एक वेव आई है, टाइड देख सकते हो खुद ही, मैं इसलिए आईफोन में शिफ्ट किया हूँ, स्विच किया हूँ, क्योंकि आईफोन में ज़्यादा बेटर क्वालिटी आती है, तो कितना ज़्यादा हाई टाइड है, तो ये सब ये फालतू जगह मिस एडवेंचर नहीं करना है, कभी भी आना है तो ऐसी जगहों पे पानी वानी में जाना नहीं बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं, वहाँ बोर्ड लगा है फिर भी उसके नीचे डेंजर के नीचे ही फोटो खिंचवा रहे हो लोग, सच्ची भाई ऐसे, मतलब और फिर बह जाएंगे तो फिर दुनिया भर का फिर बीच बंद हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। मतलब भैया अपन फोटो वोटो खिंचाए थोड़ी देर के लिए, आपके वीडियो बनाए मैंने कि वहाँ आगे जाना नहीं, और हो चुकी है बारिश, हो चुके हैं अंदर, यही हो रहा है बस, बाहर निकलो, बारिश हुई, कहीं अंदर बैठो। अभी यहाँ पे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, एक बहुत अच्छा मेन्यू है यहाँ पे, कुछ क्या है भाई, पिंक, क्या पिंक, क्या एनीवेज लो एक ऑर्डर करो उत्कर्ष। अंकित भाई कुछ बोलो खाने के लिए, एक मंचूरियन ले लेते हैं। चलो भैया हो गया खाना पीना, बैगट और आए थे बीच देखने, खा पी लिया, लंच हो गए। और जब यहाँ पे आते हो ना तो सिंगापुर वेज, सिंगापुरी नूडल्स बहुत एक नंबर थी, और नटेला टोस्ट एक नंबर था, ट्राई करना मजा आ जाएगा। अब जा रहे हैं चापुरा फोर्ट, मैप तो मिनिमाइज हो जाता है बेबी, यहाँ से कहाँ जाना है भाई, एक नंबर रास्ता है भाई। कितने का ये, 40 का पूरा पाइनएप्पल आ जाता है यार। वाह यार चापुरा फोर्ट आए हैं वापस से, बारिश चालू हो चुकी है तो फिर से हम लोग खाने लगे। थैंक यू भैया, ये हो रहा है हम यहाँ से निकल रहे हैं तो बारिश चालू जा रही है, जहाँ पहुँच रहे हैं लिटरली पहुँचते साथ ही बारिश, और फिर वहाँ पे कुछ खा रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर बारिश, यही है बस, यही चल रहा है। जितने बार भी आया था गर्मी में आया है, अभी देखते हैं बरसात का भी अपना अलग ही वो है चापुरा फोर्ट में। अभी गुड रेनकोट वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं अगर आपको चाहिए तो, बट मैं अपना छाता लेके आया हूँ, मेरे को रेनकोट वगैरह जमता नहीं है। ठीक है भाई चल रहा है, बढ़िया है, अभी चापुरा फोर्ट जा रहे हैं, मैं कभी गया नहीं हुआ है, जितने बार भी 4-5 बार आ चुका हूँ बड़ी, चापुरा फोर्ट कभी नहीं गया, तो इस बार चापुरा फोर्ट भी जा रहा हूँ, तो ये वही दिल चाहता है वाली लोकेशन है। वेलकम टू द चापुरा फोर्ट बेबी, जिद्दी लोग हैं भाई, हम भी वही हैं, ऐसे मौसम में भी अगर घूम रहे हो ना तो जिद्दी हो तुम भाई, सच्ची बोल रहा हूँ, बरसात में भी। दिस इज द व्यू मैन, चेक इट आउट, अच्छा खासा चढ़ रहे भाई, अच्छी सीढ़ियाँ बढ़िया बनी है, लेकिन अभी स्लेट ट्रैक तो है यार, ये थोड़ा चलने में अभी दिक्कत हो रही है। नाइस गाइस, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ चापुरा फोर्ट, दैट्स डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। थैंक्स फॉर विजिटिंग, द टाइमिंग इज 10 AM टू 5 PM, सो रिमेंबर दैट। अच्छा लो भाई, ओ नाइस, बढ़िया है बढ़िया है, भीग रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है भाई, भीग रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। आओ इधर चलते, अरे यार ये जूड़ियों की चप्पल यार मुड़ जा रही है, ये देखो, अरे 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 क्या कर रहे हो उत्कर्ष, क्या उतार रहे हो,
फोटो ले रहे गाइस, ये है बात भाई। अच्छी फोटो आ रही तुम्हारी, एकदम सही खड़े हो। यस पहली फोटो लाओ, 100 रुपये तो इधर अंकित, 100 रुपये। अभी बारिश बंद हुई है भाई, मजा आ रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ। आ सकते हो अगर आ रहे हैं तो, मजा आ रही है। देखो लोग आ रहे हैं, फोटो लेता हूँ मैं भी। अच्छा लग रहा है भाई, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है, इट्स गुड। ये देखो भैया, यहाँ से ऊपर आ गए, ये एकदम चापुरा फोर्ट है। यहाँ पे आपको दिस वन इज़ दी अश्विम बीच, उसके आगे फिर एकदम स्ट्रेट जो बीच पूरे की है, अलग अलग नाम है। सबसे लास्ट में आपको आरंबोल बीच मिलेगा, दैट्स आरंबोल। और इसकी जस्ट इस साइड देखिए, अगर राइट साइड में, सो यहाँ पे है आपका वागटोरा रंजुना बीच। और अब यहाँ से हमारी फ़ोटो वोटो हो चुकी है, अब वी आर गोइंग बैक। इसको चलो भाई, ऊपर से घूम फिर के आ गए। अभी जा रहे हैं देखने फ्ली मार्केट, यहाँ का एक अंजुना का बहुत बड़ा फ्ली मार्केट होता है। फ्ली मार्केट इस बेसिकली जो टेंट वेंट लगते हैं, सस्ता आपको लोकल कुछ सामान खरीदना है तो। क्यों, क्या खरीदना है यहाँ का, कुछ ऑथेंटिक कुछ तो भी होगा। चलो तो देखते हैं क्या मिलता है, फ्ली मार्केट अंजुना, लेट्स गो। और ये जो मस्ती थी ना, ज़्यादा देर नहीं चली क्योंकि हम लोग को आगे ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया। अरे वो हेलमेट नहीं है ना, ये हेलमेट अच्छा वाला हेलमेट लेना है। अरे ये तो फ्री में मिल गया, इसके साथ जो मिल गया फ्री में मिल गया, जो मिल गया फ्री में रख लिया। अभी चालू कैसे होती है, अरे स्टैंड निकालो ना, स्टैंड आदमी दे दो ना, आप गिरोगे। थैंक यू। लेकिन ये हेलमेट चलता नहीं है, हमको अभी पुलिस वाले ने रोका है। गोवा आना है तो वैलिड लाइसेंस इज मैंडेटरी, लाइसेंस नहीं रहेगा तो कितना चालान है सर, 10,000 रुपए चालान है। लाइसेंस बहुत जरूरी, हेलमेट भी जरूरी, आईएसआई मार्क। ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता, वो वाला चलता है। ओके, ये वाला चलता है, आपका नहीं चलता है, अभी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये वाला नहीं चलता है। अगर आपको स्कूटी जब हायर करो, आईएसआई वाला हेलमेट मांगो उनसे, राइट, लाइक दैट कंपलसरी है। अच्छा, विलेन को भी, हां दोनों कंपलसरी है, उसका चार्ज जरूरी नहीं है, नहीं राइट, सत्य है। चलिए थैंक यू सर। ओके, लॉक मत कर रहे, नहीं दे नहीं, नहीं दे, फालतू खराबी हो जाएगी भाई। गूगल मैप का लोकेशन डाला था फ्ली मार्केट का, और ये फ्ली मार्केट यहाँ पे लेके आए, ये पूरा पीछे ख़राब पड़ा हुआ है। और हम लोग आ चुके हैं फिलहाल, ये देखो इधर, ये है अपना अंजुना बीच ब्रो। चलो आज के दिन अंजुना बीच भी हो गया, ये प्लान नहीं था बट हो गया अंजुना बीच भी। बहुत पानी है भाई, बीच बचे ही नहीं है मानसून में, अभी देख रहे हो, बीच बचे ही नहीं है, पूरा पानी है। लाइक लिटरली यहाँ पे बीच होना था बट पूरा पानी आ चुका है ऊपर। मॉनसून ब्रो, सबका अपना ब्यूटी है, आना तो आ सकते हो, मजे कर सकते हो, आयो। ये देखो बीच, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है बट बीच पानी पूरा यहाँ तक आ चुका है भाई, बरसात पानी भाई, क्या हो रहा है ये बरसात में भाई। अभी अगर आ गए ना गोवा, बहुत जिद्दी हो भाई तुम घूमने के लिए, सीरियस नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे में घूम रहे हैं हम लोग। चलो भाई निकालो गाड़ी, लेट्स गो। गोवा इज ऑन बेबी, ये बॉय भाई, पूरी चड्डी वड्डी सब भीग चुकी है, खतरनाक। ओ माय गॉड भाई, बहुत गलत, अबे रास्ता गलत आ गया, रास्ता ये रास्ता नहीं है भाई। अच्छे से खाना वाना हो गया, वापस हॉस्टल आ गए थे घूम फिर के, और यहीं पे हमने बिरयानी, मालाबार पराठा और ये गोस्ट ऑफ्स का खाना, इज गुड मैन, इट्स अच्छा है। मतलब ऐप वगैरह से भी ऑर्डर कर रहे थे तो सही है। अभी कॉल करके मैंने पूछा था तो स्विफ्ट का रेट बता रहे थे, कल अगर हम लोग को कार करनी है तो उसका रेट बता रहे थे 1500 रुपीस, बट देखते हैं थोड़ा नेगोशिएट करेंगे 1200-1300 रुपये तक। अभी और भी बाकी कार्स का भी पूछते हैं, जैसा भी होगा अपडेट। बढ़िया खाना वाना खा रहे हैं यार, खाना अच्छा है बाय द वे।
कॉल किया है गूगल मैप्स में नंबर देके, क्योंकि गोस्ट अब यहीं पे जो रिसेप्शन था ना, इनसे मैंने पूछा कि भैया क्या रेट है कार वगैरह का बताओ। थार का रेट बोल रहे हैं 4,500 रुपये 24 आवर्स के लिए, डीजल हमारा खुद का न्यू मॉडल ऑब्वियसली। एक जगह और कॉल किया, वहाँ पे बोल रहे हैं कि थार का 5,000 रुपीज़ 5,500 रुपये डीजल न्यू मॉडल, और पुराना मॉडल चाहिए थार का जो पुराना एक आता था वो वाला मिल रहा है 2,000 रुपीज़ पर डे। एक चीज़ जो डिसाइड करी हमने वो ये कि देखो यार, अब ज़्यादा दिन के लिए गाड़ियाँ लोगे ना यहाँ पे तो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो और कार्स का ऐसे ही सीन है, बहुत सारे जो कार्स के वो है ना वेंडर्स, कि हम एक दिन के लिए कार नहीं देते, एक दिन के आपको मैक्सिमम स्विफ्ट मिलेगी, और बलेनो हो गई या फिर थार हो गई, ये सारी जो कार्स हैं ये आपको मिलेंगी 2 दिन मिनिमम के लिए। बट और तो हमको बलेनो मिल रही है अभी 1,300 रुपीज़ पर डे, मतलब 1,200 रुपये करवा लेंगे उससे, पेट्रोल हमारा अपना रहता है। एक बार अगर आओगे ना यहाँ पे, जब भी आप आओगे, देखो अब एकदम ऑफ सीजन का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम ऑफ सीजन स्विफ्ट का भी कुछ 1,500-1,200 रुपये लग रहा है, वैगन आर आपको 1,000 रुपये में मिल जाएगी। तो अभी का रेट बता रहा हूँ मैं लिटरली, भी क्या कौन सा मंथ है उत्कर्ष, ये जुलाई, जुलाई एंड है, मतलब अगस्त स्टार्ट होने वाला है, मॉनसून प्रॉपर मॉनसून का रेट है ये। यही अगर आप न्यू ईयर या फिर उस टाइम पे आओ ना, मैं बता रहा हूँ जो स्कूटी हमको 350 में मिली है ना, ये स्कूटी का रेट 500 ईजिली जाता है। तो ऐसा नहीं कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलने लग जाना कि भाई ये तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसा वैसा, अभी का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा अगर मैं बुकिंग वगैरह करूंगा तो, क्योंकि अभी एकदम ऑफ सीजन है गोवा, अभी पूरा ब्लॉग देखा आपने, इतनी बारिश है कोई नहीं आता यहाँ पे, बट स्टिल कुछ जिद्दी लोग जितने अभी आप लोग को दिख रहे हैं ना ये ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग ये आ जाते हैं, इन लोग के कारण हमको आना पड़ता है। देखते हैं बलेनो में भी हम लोग फाइनल करें, क्योंकि थार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है, सोचे थे यार 3,500 तक मिल जाएगी, बट 2 दिन के लिए मिनिमम बोल रहे हैं वो, बलेनो ही कर लेते हैं, सोचा 1300 मतलब पर डे 2400 बलेनो मिल जाएगी, और पेट्रोल 1,000 का हम डलवा लेंगे अपना, साउथ गोवा जाएंगे कल, वापस आएंगे, प्लान ऐसा है, बाकी भी देखते हैं क्या है। सो आई थॉट कि ये आपसे शेयर करूँ। सर भाई डिनर के लिए जा रहे हैं वापस, वही बागा साइड जाएंगे, क्योंकि वैगट और में ऐसा कुछ खास है नहीं, तो लेट्स गो। और बाय द वे कल के लिए बलेनो कर लिए, तो कल जाने वाले हैं साउथ गोवा घूमने, 1200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से की है, क्या की है बलेनो, एकदम लेटेस्ट मॉडल, एकदम नया है, गाड़ी की फोटोज़ कल ही आपको लाइव गाड़ी दिखाऊंगा मैं, 1200 रुपये 3,000 रुपये डिपॉजिट लिया है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये अभी का रेट है, ये अभी का रेट है, आपको ये महंगा पड़ेगा जब आप सीज़न लाइक ऑब्वियसली सीज़न में आओगे। चलो लेट्स गो। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट जहाँ पे आप आ सकते हो, खाना दिखाता हूँ आपको, और सागर रेस्टोरेंट जस्ट कलंगुट बीच है ये, यहाँ पे देखो आप, दिस इज़ कलंगुट बीच, और जस्ट ये कलंगुट देखो यहाँ पे लास्ट गाड़ी यहाँ तक आती है, और ये है सामने सागर, भाई एक नंबर खाना यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, डिसअपॉइंट नहीं होगे। चल आपको दिखाता हूँ, खाना आ चुका है गाइस, तो दिस इज सागर रेस्टोरेंट। आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आपको कहीं पे भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा है ना गोवा में, दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन, मैं लाइक दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक वो नवतारा एंड द सेकेंड वन इज़ सागर, फर्स्ट सागर बोलूँगा, सेकेंड नवतारा बोलूँगा, ये एकदम जस्ट कलंगूट के बाहर ही है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट फूड यार, एकदम सस्ते में एकदम अच्छा खाना, अगर आप प्योर वेज हो दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन, आओ यहाँ पे खाओ, बहुत अच्छा खाना है। हो गया हमारा खाना, नाउ वी आर गोइंग बैक, थोड़ा वॉक करेंगे एंड विल गो बैक। तो गैस अभी आ चुके हैं कैंडलिम बीच, कैंडलिम बोल सकते हो, कलंगूट बीच बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे आ चुके हैं, और ये बागा से ऑनेस्टली बोलूँगा ये बागा से बहुत ज़्यादा बेटर है, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था ना सागर में, तो यहाँ थोड़ा वॉकिंग वगैरह करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि बागा वगैरह से ना ये कलंगूट और कैंडलिम बीच बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर आप गोवा आ रहे हो तो बागा और कैंडलिम थोड़ा बागा अवॉइड करो, कैंडलिम और कलंगूट बीच आओ, ये ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा बेटर है, बागा का बहुत ज़्यादा नाम हो गया है ना, तो मतलब क्राउड जहाँ हो जाता है ना भाई, जिसका नाम हो जाता है वहाँ क्राउड चला जाता है, वही सीन है वहाँ का, तो गंदा बीच हो गया, बहुत सीरियस बोल गया, लोग गंदा कर दिया यार पूरा बागा को, तो आप यहाँ पे आओ, मस्त रहो, एंजॉय करो, यहाँ के शैक्स में बैठो, और गुड। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉक करके वापस आएंगे बैक टू द हॉस्टल, अब मिलता हूँ किसी हॉस्टल में, क्योंकि यहाँ थोड़ा वॉक वगैरह करते हैं, लेट्स गो। रेंट करेंगे आज का दिन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वापस आ चुके हैं, चाय वगैरह ऑर्डर कर दी, 3 बज गए भाई, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस, मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स अपडेट्स के लिए,
टेलीग्राम पे अगर आपको सस्ते ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। कल आने वाली है हमारी गाड़ी फोर व्हीलर जिस बलेनो, और कल हम जाने वाले हैं साउथ गोवा। साउथ गोवा में क्या है कैसा है, मैं फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ, सो लेट्स सी कैसा होता है सीन। स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। पूरी गोवा 2023 की सीरीज, मानसून सीरीज गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।